ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी, अवस्थीज आयुर्वेद एनाटॉमी योग एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज एक कहानी सुनाने चल रहा हूँ, और उस कहानी की रूपरेखा बनी कैसे है कि जो बच्चे प्राथमिक विद्यालय जंगमपुर के पढ़ने आते हैं, तो वो आज प्रातः आ रहे थे, पानी की बरसात हो रही थी और उनको रास्ते में एक उल्लू मिला, और जो छोटा बच्चा है और उसको संरक्षित करने के लिए, उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो सो रहा था, दिन का समय है तो उल्लू जो है सोते हैं, तो उसको वो उठा लिए, क्योंकि उसको जो है यहाँ पर घोंसला बना करके उसको रखेंगे और उसको संरक्षित करेंगे जिससे कि उसका जीवन बच सके, तो कोई उसका शिकार ना कर ले, कोई बिल्ली या कुत्ता, तो ये बच्चे उसके जीवन को बचाने के लिए ले आए हैं। तो अब जब उल्लू आ ही गया है, जो लक्ष्मी का वाहन होता है, ये कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी का वो वाहन है, तो पंचतंत्र की एक कहानी जो उल्लुओं की बस्ती में नाम से है, तो मैं वो आपको सुनाने चल रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं बच्चों की तरफ। तो ये बच्चे हैं वहाँ के, और बीच में जो है ये स्टूल के ऊपर उल्लू बैठा हुआ है, और अब हम उल्लू को फोकस करेंगे और देखिए वो शायद वो आँख खोले, तो वो आँख खोलेगा, तो ये हम उल्लू है और आँख खोलेगा थोड़ा सा, देखिए फोकस करिए, हाँ, और ये उसने आँख खोली, उल्लू ने आँख खोली, और देखिए उल्लू ने आँख खोली है, और माँ लक्ष्मी के वाहन के दर्शन करें। और ये कहा जाता है कि जो है उल्लू से मूर्ख की संज्ञा दी जाती है, लेकिन ये बहुत बुद्धिमान पक्षी होता है, और ये सोने के मूड में है, इसलिए बार बार अपनी आंखें बंद कर रहा है, बच्चा है, और इसको छोड़ दें, उसको अपने सोने दें। और अब ये बच्चे जो है कहानी को सुनेंगे, और ये उल्लू में एक विशेषता और होती है, ये अपनी गर्दन को पूरा का पूरा चारों तरफ घुमा सकता है, तो ये उसकी विशेषता होती है। तो ये पूरा का पूरा घुमा सकता है चारों तरफ, तो उल्लू में ये विशेषता होती है। और अब हम कहानी सुनाने चल रहे हैं बच्चों को, और ये चार बच्चे आए हैं, और आज ये अपना गलती से मास्क छोड़ आए हैं। आपका नाम क्या है? दीपक। आपका नाम क्या है? अभिषेक। और आपका नाम? अविनाश। और आपका नाम? राज। तो आप चारों आ रहे थे, तो ये आपको अभिषेक जी बताइए, ये कैसे मिला, क्या साइड में गिरा था, तो हम उठा लिए, कि मतलब कोई बिल्ली या वो कुत्ता शिकार ना कर ले, इसलिए आप उसको बचा के ले आए। अब इसकी रोज़ आप जो है इसको खाना पानी देंगे, है ना, इसकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि जो है जीव जंतुओं का संरक्षण करना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए और ना ही उन्हें कोई मार सके, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। तो हम आपको कहानी सुनाने चल रहे हैं। तो अब ये जो हमारा अवस्थीज आयुर्वेद एनाटॉमी योग एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल है, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो है चलिए, तो अब हम बच्चों ध्यान से कहानी सुनिएगा। उल्लुओं की बस्ती में, तो पंचतंत्र की एक ये प्रमुख कहानी है। और एक वृक्ष पर एक उल्लू रहता था। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता है, ये आप सभी जानते हैं, इसलिए उसको दीवांध भी कहते हैं, मतलब जिसको दिन में नहीं दिखाई देता उसको दीवांध कहा जाता है। और जो है उल्लू दिन भर अपने घोंसले में छिपा रहता था, जब रात होती थी तो शिकार के लिए बाहर निकलता था, मतलब अपने भोजन की तलाश में वो बाहर निकलता था। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय था, इस समय तो बरसात है, लेकिन जिस समय की ये कहानी है उस टाइम गर्मी का मौसम था, और बहुत ही तेज़ धूप आ रही थी, आकाश में सूर्य आग के गोले की तरह चमक रहा था, बड़े ज़ोरों की गर्मी पड़ रही थी। कहीं से उड़ता हुआ एक हंस आ गया, तो जब हंस आया और बड़े ज़ोरों की गर्मी पड़ रही थी और हंस
कहीं से उड़ता हुआ हंस आया और वृक्ष के डाल पर बैठकर बोला, ओह बड़ी भीषण गर्मी है, आकाश में सूर्य आग के गोले की तरह चमक रहा है। हंस की बात उल्लू के कानों में पड़ी। वह बोल उठा, क्या कह रहे हो भाई, सूर्य चमक रहा है? बिल्कुल झूठ, चंद्रमा के चमकने की बात करते तो मैं मान भी लेता। तो इधर आप लोग ध्यान से देखें कैमरे को और कहानी को ध्यान से सुने, पूरा ध्यान कहानी पर दीजिए क्योंकि बहुत ही ज्ञानप्रद कहानी है। हंस की बात उल्लू के कानों में पड़ी। वह बोल उठा, क्या कह रहे हो भाई, सूर्य चमक रहा है? बिल्कुल झूठ, चंद्रमा के चमकने की बात करते तो मैं मान भी लेता। हंस बोला, चंद्रमा तो दिन में चमकता नहीं, रात में चमकता है। इस समय दिन है, दिन में सूर्य ही चमकता है। सूर्य का प्रकाश जब तीव्र रूप से फैल जाता है तो भयानक गर्मी पड़ती है। आज सचमुच बड़ी भयानक गर्मी पड़ रही है क्योंकि सूर्य ज़्यादा यह गर्मी दे रहा है और पूरा चमक रहा है और आसमान में बादल भी नहीं है, लेकिन आज तो जो हम कहानी सुना रहे हैं तो बरसात हो रही है, तो ठीक उल्टा हो रहा है। तो उल्लू व्यंग के साथ हंस पड़ा और बोला, हा, अभी तो तुम सूर्य की बात कर रहे थे, अब सूर्य के प्रकाश की बात करने लगे, बड़े मूर्ख लग रहे हो। अरे भाई, ना सूर्य है ना प्रकाश है, ये तो हमारे मन का भ्रम है। तो हंस ने उल्लू को समझाने का बड़ा प्रयत्न किया, आकाश में सूर्य चमक रहा है और उसके कारण भयानक गर्मी पड़ रही है, पर उल्लू अपनी बात पर अड़ा रहा। हंस के अधिक समझाने पर भी वह यही कहता रहा कि ना तो सूर्य है ना सूर्य का प्रकाश और गर्मी पड़ रही है। उल्लू और हंस दोनों इस तरह काफ़ी देर तक अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। तो उल्लू बोला, पास ही एक दूसरे वृक्ष पर मेरे सैकड़ों मित्र हैं, जाति भाई रहते हैं, वे बड़े बुद्धिमान हैं, चलो उनके पास चल कर निर्णय कराएं कि आकाश में सूर्य है या नहीं। हंस ने उल्लू की बात मान ली और उल्लू के साथ को साथ लेकर के दूसरे वृक्ष पर गया। दूसरे वृक्ष पर सैकड़ों उल्लू रहते थे, तो वहाँ वो पहुँच गया। तो उल्लू ने अपने जाति भाइयों को एकत्र करके कहा, भाइयों, इस हंस का कहना है इस समय दिन है और आकाश में सूर्य चमक रहा है, आप लोग ही निर्णय करें इस समय दिन है या नहीं और आकाश में सूर्य चमक रहा है या नहीं। तो उल्लू की बात सुनकर उसके जाति भाई हंस कर फिर बड़े जोर से ठहाका लगाया और उसका उपहास करते हुए बोले, तो आप लोग भी जरा एक बार हंस लें, हंस के दिखाएं। तो ऐसे ही वो सारे हंसे और ठहाका लगाने के बाद जब एक साथ बोले, क्या कह रहे हो भाई, आकाश में सूर्य चमक रहा है? बिल्कुल अंधे हो, हमारी बस्ती में ऐसी झूठ बात का प्रचार मत करो। पर हंस चुप नहीं रहा और वो बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इस समय दिन है और आकाश में सूर्य चमक रहा है। हंस की बात सुनकर सभी उल्लू कुपित हो उठे और हंस को मारने के लिए झपट पड़े, उसके ऊपर अटैक कर दिया उन्होंने, वो उसको मारने के लिए लपके, हंस प्राण बचाकर भाग चला। कुशल था, मतलब उसमें बहुत ही तेजी थी, एक्टिवनेस थी, कि दिन होते होने के कारण उल्लू को दिखाई नहीं पड़ रहा था, और यदि दिखाई पड़ता तो वो शायद हंस को पकड़ कर मार देते, तो ऐसा वो नहीं कर सके। उधर दिन होने के कारण हंस को दिखाई पड़ रहा था, उसने सरलता से भागकर उल्लुओं से अपनी रक्षा कर ली, तो वो अपने को बचा ले गया। और हंस ने बड़े दुख के साथ अपने आप से कहा, यह बात सच है कि इस समय दिन है और आकाश में सूर्य चमक रहा है, पर उल्लुओं की ने संख्या में अधिक होने के कारण सच को भी झूठ ठहरा दिया। जहाँ मूर्खों का बहुमत होता है वहाँ इसी प्रकार सत्य को भी असत्य सिद्ध कर दिया जाता है, जो वो सारे तो मूर्ख थे और मूर्ख थे तो मूर्ख जो कहना नहीं मानते और ना वो सच को समझने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए वो तो, और उन्होंने कभी दिन देखा नहीं, सूर्य देखा नहीं था, तो जब उन्होंने देखा नहीं था तो मानने को नहीं तैयार थे कि सूर्य चमक रहा है और सूर्य की वजह से उजाला है। वो जो उन्होंने तो चांद के उजाले को देखा, क्योंकि तो देखो अभी ये जो हमारे पास उल्लू है और ये जो है सो रहा है, ये जो है दिन के प्रकाश में सोता है, जब सूरज निकला रहता है तो ये बड़ी मुश्किल से आँख खोल रहा है, ये सो रहा है, इसको कोई नहीं छेड़ रहा। और दिखाओ जरा सा एक बार ध्यान से, तो ये देखो बेटा आँखें बंद किए हुए है
और ये सो रहा है। जब आप बहुत हिला रहे हैं तब वो थोड़ी सी आँख खोलता है, तो वो चंद्रमा के प्रकाश में आँखें खोलता है और अपना शिकार करता है और भोजन करता है। तो सूर्य के तो ये दर्शन ही नहीं करते, तो जब ये सूर्य के दर्शन नहीं करते तो सूर्य को पहचानते नहीं। तो जो यही हालत उन सारे की थी, तो इस वजह से वो लोग पहचान नहीं पा रहे थे। आप उसे छोड़ दीजिए और उसे कष्ट में ना करें, क्योंकि उसकी नींद को में बिघ्न ना डालें। तो फिर क्या हुआ, समझ रहे हैं? तो उसने जो ये बात मान कहा कि जहाँ पर मूर्खों का बहुमत होता है तो वो जो है इसी प्रकार की बात करते हैं, और जो सत्य है कि सूर्य चमक रहा है उसको भी ये कह रहे असत्य है, झूठ है, मानने को नहीं तैयार है। तो इस बात की कहानी से ये शिक्षा मिलती है बेटा कि मूर्ख मनुष्य विद्वान की बात को भी सच नहीं मानता। अगर एक विद्वान आया और 100 मूर्ख हैं तो 100 मूर्ख भी नहीं मानेंगे, और सब जो है बल्कि उल्टा उसी को मूर्ख कहने लगेंगे कि वही गलत है, जबकि वो हंस बिल्कुल सच था क्योंकि सूरज निकल रहा था। और लेकिन वो 100 जो उल्लू बैठे थे तो वो 100 उल्लू के उल्टा बोल रहे हैं। तो ये बहुमत था उनका, लेकिन हंस ज्ञानवान था और सत्यनिष्ठ था, तो उसने ये मानने को तैयार नहीं हुआ। इस तरीके से अगर सच की बात हो तो भले एक आदमी कह रहा हो या आप सच को जान रहे हैं तो सच की बात को माने, और बहुत से लोग अगर किसी झूठ बात को बोल रहे हैं तो उसको स्वीकार ना करें। इस बात इस कहानी से शिक्षा मिलती है, मूर्खों की सभा में सत्य को भी असत्य ठहरा दिया जाता है। दूसरा जो इसमें शिक्षा मिलती है कि अगर मूर्खों की सभा है तो आप जितना भी सच बोलें लेकिन कोई भी उसको नहीं मानेगा, और सब आपको ही असत्य कर देंगे, आपको ही जो है वो असत्य ठहरा देंगे। तो मूर्खों की बड़ाई से ना तो प्रसन्न होना चाहिए, अगर मूर्ख लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं तो उससे ना तो आप बहुत खुश होना चाहिए, ना उन अगर वो बुराई करें और या आपको कहें कि आप झूठे हैं और झूठी बातें करें और आपकी बुराई करें, तो उससे दुखी भी नहीं होना चाहिए, अप्रसन्न भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूर्ख तो मूर्ख ही होते हैं। तो ये कहानी जो है पंचतंत्र की है, जिसमें यह है कि अगर 100 मूर्ख भी अगर हैं और आप अगर सत्य हैं तो आप सत्य पर टिके रहें और सत्य को माने। और जो तो ये कहानी इस प्रकार से हुई, तो मूर्ख मनुष्य विद्वान की बात को सच नहीं मानते, सबसे बड़ी बात यह है। तो बताइए अभिषेक जी, आपने इस कहानी से क्या सीखा? तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हाँ, सच की बात मानना चाहिए, हाँ। और मूर्ख लोग सच की बात को नहीं मानते, लेकिन आप अगर सच्चे हैं तो आप सच पे ही टिके रहें, चाहे आप अकेले हैं और 100 लोग जो है झूठी बात है तो उस पर आप नहीं जाएंगे, क्योंकि मूर्ख लोग तो झूठी बात पे अड़े रहेंगे और वो सत्य को स्वीकारना नहीं चाहते, ज्ञान को प्राप्त करना नहीं चाहते। आप लोग तो ज्ञान लेने आए हैं, इतनी देखिए बरसात हो रही है और कितना अच्छा सुहावना मौसम हो रहा है। तो ये एक कहानी हुई। और हमारे जो है दीपक भाई, दीपक जी आप बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा? ये कि चाहे 100 लोग झूठ बात कहें लेकिन आप सच पे हैं तो सच बात ही मानेंगे, ऐसा ही है ना? मूर्ख लोग सच्ची बात को नहीं मानते, है ना? तो आपको उल्लू अच्छा लग रहा है? उल्लू अच्छा लग रहा है। और आप बताओ भाई अभिषेक, अविनाश हैं, अविनाश जी आपने क्या सीखा इस कहानी से? मूर्ख लोग से हाँ सच को नहीं मानते, लेकिन आपको सच को मानना है, हमेशा सत्य के साथ रहना है। किसके साथ रहोगे? सत्य के बात, अच्छी बात के साथ। और पढ़ेंगे, रोज पढ़ोगे? हाँ। और बेटा आपका नाम? राज। राज बताइए आपने क्या इस कहानी से सीखा? कि जो है मूर्ख लोग सत्य बात को नहीं मानते, लेकिन आपको सच्ची बात को मानना है। अच्छी बात पे चलोगे, अच्छी बातें मानोगे ना, है ना? और पढ़ाई करोगे, रोज पढ़ाई करोगे, अच्छे बच्चे बनना है और फिर बढ़िया बढ़िया डिग्री लेकर के नौकरी पे आना है, है ना? क्यों भाई अभिषेक? और फिर इसकी सुरक्षा भी करनी है इसे, है ना? हम आपको अब बाहर का मौसम दिखाएंगे कि कैसा हो रहा है। थोड़ा कैमरे को बाहर ले चलते हैं, इसको यहीं रखें, और हम जो है बाहर के मौसम को दिखा रहे हैं कि आज बरसात हो रही है और बरसात में जो है बूंदें गिर रही हैं। ये देखिए पानी की बूंदें हैं और चारों तरफ बरसात हो रही है, मौसम बड़ा सुहावना है। और इसमें बच्चे आ गए तो मैंने ये सोचा कि बच्चों को का समय व्यर्थ ना जाए और उनको कुछ ना कुछ ज्ञानप्रद चीज़ें सिखाई जाएँ।
तो वो ज्ञानप्रद कहानी हमने सुनाई। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं, ये वार्ता अच्छी लग रही है, चैनल अच्छा लग रहा है, तो कृपया उसको सब्सक्राइब करें और जो है अपने मित्रों से भी कहें और उनको जो है सब्सक्राइब करने को कहें। और जो विभिन्न विद्यालय के अध्यापक हैं, शिक्षक हैं और छात्र हैं, तो कृपया वो भी इसको अपने विद्यालय के छात्रों से शेयर करें, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय जंगमपुर के प्रधानाचार्य डॉली सिंह ने मेरे को प्रेरणा साथी भी बनाया है। तो इन बच्चों को हम प्रेरणा देते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ाते हैं और जिससे कि वो ज्ञान प्राएँ। आज जो है रविवार है, लेकिन रविवार को भी बच्चे आ गए हैं और तो इसलिए उनको एक कहानी सुनाई। और जो ये उल्लू को लाए थे उसकी सुरक्षा संरक्षा के लिए, तो हमने इसीलिए आज उल्लू से संबंधित कहानी को सुनाया। और आपने सुना, आपने समय इतना दिया, तो थैंक यू ऑल। और ये बच्चे देखिए कितना हंस खेल रहे हैं बच्चों को। और बच्चों इसको रखिए वहीं पर और ताली बजाएं। कहानी अब समाप्त होगी। आप लोगों को कहानी अच्छी लगी? वेरी गुड बॉय, तालियां। और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही थैंक यू ऑल।